साहब एक तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरा कि जी नशे में एक बार आ जाता है कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, एक बार आ गया उसको निकलना मुश्किल है। और मैंने इसमें देखा 90% नशा है साहब ये बचपन में आ जाता है और ये गलती का जड़ है मेन माँ बाप, क्योंकि बच्चों को ध्यान देते नहीं, बच्चों ऐसा ग्रुप में चले जाते हैं फिर आने वाली बेन फंस जाती है। नमस्कार आदाब, आइए बात करते हैं नशे की। यूं तो दुनिया में अलग अलग ढंग से नशे का मामला सामने है, भिवंडी शहर में भी नशे का मामला बड़े जोर शोर से बढ़ा है। बहरहाल नशे को भिवंडी शहर या देश दुनिया को साफ रखने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर काम करते रहते हैं। आइए हम भिवंडी शहर के एक नशा मुक्त अभियान अंतर्गत काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता लालजी भाई से आपकी मुलाकात कराते हैं। भिवंडी शहर के अजंता कंपाउंड क्षेत्र में इनका नशा मुक्त अभियान का एक बड़ा काम भिवंडी शहर और आसपास के दूसरे शहरों में भी जाना माना ये काम। आइए सुनते हैं लालजी भाई ने इस ताल्लुक से क्या कहा और नौजवानों को क्या संदेश, क्या मैसेज दिया। मैं खान फख्र आलम। लालजी भाई क्या कहेंगे, नशा भिवंडी शहर में बड़ी तेजी से बढ़ा है, चाहे सिगरेट का नशा हो, दारू का नशा हो या हुक्के का, इस तरह का बहुत सारा नशा दुनिया में फैल गया है और वो पूरा पूरा नशा भिवंडी में भी फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस मामले में आप बड़े पैमाने पर नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं, तो इसके बारे में दर्शकों को बताएं। साहब एक तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरा जी कि नशे में एक बार आ जाता है कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, एक बार आ गया उसको निकलना मुश्किल है। और मैंने इसमें देखा 90% नशा है साहब ये बचपन में आ जाता है और ये गलती का जड़ है मेन माँ बाप, क्योंकि बच्चों को ध्यान देते नहीं, बच्चों ऐसा ग्रुप में चले जाते हैं फिर आने वाली बेन फंस जाती है। अच्छा नशे में जिसका रिजल्ट आता है लगभग मोस्टली 1 घंटा 1.5 घंटे में आ जाता है मेरे पास। अच्छा उसके कारण मैंने कहा मैं 10 को छोड़ा हूँ हजारों की संख्या में नहीं हो रहा है नशे के लिए। तो मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना के गुरु जी को रिक्वेस्ट किया तो आज जो लीवर पे है कि मैं नई पीढ़ी बचाना चाहता हूँ कि नई पीढ़ी नशे में ना आवे, इसके लिए काम कर रहा हूँ। तो लीवर फेल का पेशन हो, लीवर में सूजन हो, सुकड़न हो या जो भी लीवर में संबंधी है उसको डॉक्टर की कोई दवाबंदी करना है। दावा के साथ बोलता हूँ कर्म बुरा नहीं होना चाहिए या स्वार्थी आदमी नहीं होना चाहिए तो रिजल्ट नहीं आएगा। बाकी दावा के साथ बोलता हूँ डॉक्टर की दवा नहीं बंद करना है, आज पिलाओ मोस्टली कल दूसरे दिन फायदा दिखेगा। ये काम आप कब से कर रहे हैं लालजी भाई? ये लगभग 6-7 साल से कर रहा हूँ लीवर का, तो और बहुत पेशेंट ठीक हुआ है, गुजरात का बहुत सारी रिजल्ट है मेरा। हाँ तो ये जो आप कर रहे हैं तो ये किसी का आशीर्वाद है या आप किसी को मानते हैं या कहीं से मान्यता है, कैसे? ऐसा है कि लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं है, चमत्कार नहीं है, तो मेरे को बहुत दुख होता था, तकलीफ होती थी, तो भगवान क्यों नहीं है? भगवान तो हर जगह पे है जैसे, और मैं मंदिर मस्जिद हर जगह जाता हूँ। मैंने सोमानगर मस्जिद में जाके भी दवा पिलाई नशा मुक्ति का, हर जुमा जुमा मैं हर जगह जाता हूँ, मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। जिसको जिसको आप खुदा मानते हैं मैं उसको भगवान मानता हूँ, फर्क इतना ही समझता हूँ मैं। तो ऊपर वाले की मेहरबानी से यार लीवर का इतना जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है, बस इसमें रिजल्ट नहीं आ रहा है जो गुंडागर्दी करते हैं या एकदम स्वार्थी आदमी किसी का भला नहीं सोचते उसका रिजल्ट नहीं आता है, बाकी रिजल्ट बहुत जबरदस्त है साहब। जहाँ डॉक्टर जॉब दे देते हैं जहाँ 10-20 लाख लगने वाला, उसको आज पिलाओ कल उसको फायदा दिखेगा, कल उसकी लगभग उल्टी बंद हो जाएगी और थोड़ी थोड़ी भूख लगना चालू हो जाएगा, दर्द भी कम हो जाएगा। एक आखिरी सवाल है आपसे, आप नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं, भिवंडी का हमारा जो नौजवान है नशे में बड़ी तेजी से बर्बाद हो रहा है, उसके हित में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोल रहा हूँ कि बच्चों को जमा करना चाहिए, लोगों को उसको समझाना चाहिए उसका। मैं तो मेरा समाज में 2014 में या 15 में बच्चों का फॉर्म भरवाया हूँ और बोला हूँ कि आप नशा करेंगे तो समाज के अंदर लाखों रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा, आपकी मर्जी से भरो। तो बच्चों ने फॉर्म भरा है और कोई बच्चा नशा नहीं कर रहा है। सेम काम मैं प्रजापति समाज से हूँ, सेम काम सूरत में हुआ है, क्योंकि हमारा छोटा समाज है तो वहाँ भी इसी टाइप से हुआ है। और आगे भी मैं तो बोलता हूँ हर समाज ये करे, बच्चों को तोहफा देवे, बच्चों को समझावे कि भाई नशे में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा है उसको इतना समझ में नहीं आता है।
तो बच्चों को समझाना चाहिए, उसको कुछ इनाम देना चाहिए कि आपको नशे में नहीं जाना है, तो आगे बच्चे बहुत बच सकते हैं। और भिवंडी सर ऐसा हिसाब, क्या हर आदमी परिवार छोड़ के कमाने को आता है, कितनी मतलब दुख पीड़ा की बात है कि जो जिंदगी परिवार साथ जीना चाहिए वो परिवार छोड़ के जी रहा है, तो कितनी मजबूरी होगी साहब। अब वो आदमी यहाँ नशे में डूब रहा है तो कितनी मतलब वो हो जाता है कि आदमी परिवार को भी नहीं मिल सकता है, कई आदमी बेचारे यहाँ भी मर जाते हैं नशे के कारण। तो ये दुख पीड़ा की बात है, मैं लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि नशे में मत आओ और नशा मुक्ति के लिए संपर्क करो जिसको भी काम करना है। और ये टोटली मेरा काम सेवा के लिए है, मैं एक रुपया लेता नहीं, मतलब टोटली सेवा में ना लिया हूँ ना लूंगा, ये मेरा दावा है। धन्यवाद। हाँ, और मेरा नंबर चाहिए तो ले लो, 7385302010। धन्यवाद। तो ये है लाल जी भाई, जो एक बड़ी लंबी दूरी से सफर करते करते नशा मुक्त अभियान के तहत चल रहे हैं। तो बस सीधी सी बात है कि जिसे आप भगवान मानते हो, मैं उसे खुदा मानता हूँ। मैं खान पपयाल हूँ।